ला देंगे। जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं बॉबी कटारिया बोल रहा हूँ। बॉबी कटारिया, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं भाई को अपने। बोलो। अरे जा ही नहीं सकती, ताला मार दिया भाई मैंने, तुम दिक्कत क्यों ले रहे हो? ठीक है सर, हाँ आ रहा हूं, ठीक है? भाई 8 बजे से पहले आ जाते हो तो ठीक है, ना तो मैं ताला खोल दूंगा अपने घर का। क्यों सर? भाई मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा तुम्हारे बच्चों का। सर मेरे लिए उतना कर दीजिए भाई। ये इश्क अंधा होता है बेटे, इनकी वजह से ही बची है तू आज। लड़की में थोड़ा सा घमंड है और गुस्सा भी है, क्योंकि माँ बाप लेने के लिए आ रहे हैं ससुराल। नमस्कार सभी साथियों को, आज मेरे पास, मैं पहले तो फिलहाल मैं एक बार और तैयारी से कह सकता हूँ कि मेरे यार दोस्त हिंदू भी हैं, मेरे यार दोस्त मेरे प्यार प्रेम करने वाले मोमडन भी हैं। लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं एक बारी सभी को परिचित करवा देता हूँ। लड़के का नाम है मोहम्मद बिलाल और लड़की का नाम है निक्की सोनी, जो कि रहने वाली है इलाहाबाद खुर्द गांव, कौन सा वाला? असरावलपुर खुर्द है? असरावल खुर्द। आप लोग, मैं फिलहाल आप लोगों को छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अभी फिलहाल। और बेटे आपकी उम्र कितनी है? 21 साल बता रही है लड़की उम्र। और भाई आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी भी 21 साल ही है, 1-2 महीने। अपना आधार कार्ड दिखाइए। आपकी उम्र कितनी है? 21 है, 20 साल है अभी। भाई ये इसका आधार कार्ड है, फिलहाल इसमें 2000 लिखी हुई है। अभी आप लोगों को बता दूं जरा, मेरे को एक तो झूठ बर्दाश्त नहीं होता भाई जी, जो है सच्चाई बोलो आप। सर, इसलिए, हाँ पहले कोई दिक्कत नहीं। आप 21 साल कैसे बोल सकते हो फिर? 20 साल है। यहाँ पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं आप लोगों का परिचित करवा चुका हूँ। फिलहाल लड़की मोमडन बताई जा, लड़का मोमडन है और लड़की हिंदू है, क्योंकि काफी बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं बेमतलब के प्यार प्रेम में भी, और गालियां देते हैं एक दूसरे को। सबसे पहली बात ये, अपना भाईचारा बनाकर रखना, क्योंकि हर व्यक्ति काम आने वाला होता है अपने से जुड़ा हुआ। तो अब फिलहाल इनकी बातें शुरुआत कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे वीडियो शेयर करते रहिएगा। हाँ जी भाई साहब, मैडम आप ये बताओ, आप कहाँ से? इलाहाबाद से आए हो भागकर आए हो, या आप ये भगा कर लाया है? थोड़ी तेज बोलिए जरा। हम खुद आए हैं। आप खुद आए? कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? 12th तक पढ़ी हुई हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? सुनारी, सोने का काम। हाँ। ओके। मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। आप भागकर क्यों आए हो? हमें लगा था कि हमारे पापा नहीं मानेंगे इनसे शादी कराने के लिए, इसलिए हम खुद भाग के चले आए। लड़के ने बोला था आपको भागने के लिए? नहीं। तो फिर भागकर क्यों आए आप? मेरे को यही तो समझ नहीं है बात, कि लड़के ने बोला होगा शादी करनी है, या वैसे ही अपनी मनमर्जी से इसके पास आ गए आप? जबरदस्ती कर रहे हो इस लड़के के साथ फिर तो आप, या दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? सर मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ, पर मैंने इनसे बोला था कि अपने मम्मी पापा को बता दो, इन्होंने अपनी सिस्टर को भी बताया था। अच्छा, इन्होंने अपनी सिस्टर को बताया था। कि ये कल घर से बाहर निकले, और तब इन्होंने आधे रास्ते पहुंच के इन्होंने मुझे कॉल किया। ओके। तो मैंने तुरंत इनके पापा को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटी को देखिए, आप ढूंढिए उसे। ओके। तो आप लोग मिले कहाँ पर थे? सर हम इलाहाबाद में मिले थे। इलाहाबाद में आप कैसे पहुंचे? जी सर मैं इनके घर के सामने रहता था, मेरा वहाँ इलाहाबाद में एडमिशन हुआ था। ओके। तो मैं वहाँ गया था पढ़ने के लिए। ओके। तो इनके घर के सामने ही रहता था मैं। ओके, पढ़ने गए थे। फिर इससे बातचीत कैसे शुरू हुई? जी सर वो ये बताएंगे। हाँ। एक दिन ये बात कर रहे थे, नंबर किसी को बोल रहे थे, तो हमने नोट कर लिया था। मतलब ये किसी और को नंबर दे रहा था तो आपने नोट कर लिया? आपने नंबर नोट ऐसे ही कर लिया? सर ये
झूठ नहीं बोलो, सब कुछ सच सच बोलो, जिससे ये हो सके कि हाँ भाई आगे कार्रवाई हो सके तुम लोगों की। मुझे पसंद करती थी इसलिए इन्होंने नंबर नोट किया। नंबर नोट किया मतलब कि आप लोग, मतलब कि इसने गली में खड़े होकर नंबर मांगा या घर की छत के ऊपर से मांगा? सर नंबर नहीं मांगा इन्होंने। हाँ, इनके घर के पास घर में ही बिल्कुल मंदिर है। अच्छा, तो ये वहीं पे आती थी शाम के टाइम। अच्छा, तो मैं उस टाइम अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। हाँ, तो मैं नंबर दे रहा था उन्हें। हाँ, अपना नंबर दे रहा था किसी और को देने के लिए, या तो इन्होंने वो नंबर सुन लिया था तो इन्होंने मेरे पास कॉल किया था। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले ये बोल रही है कि मैं नंबर नोट किया था। नंबर नोट करके हम ही ने तो कॉल किया। कॉल कर दे मतलब कॉल करने के बाद इसको पता चल गया कि तुम्हारा फोन आया है? नहीं सर, बताने पे पता। चलो छोड़िए, इनकी जो भी बातें हैं वो सारी रजामंदी इनकी है। रेनू गेट के ताला मार दे बाहर से, बाहर वाला गेट बिल्कुल क्लोज कर दे। हाँ जी बताइए जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं सिक्योरिटी गार्ड में अभी जॉब करता था। कितने टाइम पहले? यही 2 महीने पहले मेरी जॉब छूट गई है। फोन आ रहा, फोन बंद करो अपना। 2 महीने पहले लॉकडाउन के दौरान तुम्हारी जॉब छूट चुकी है, खर्चा कहाँ से चलता है? जी खर्चा मम्मी पापा भी भेज देते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं ऐसा भाई? जी हमारी परचून की दुकान है। थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था? सर हमारी परचून की दुकान भी और मदर डेयरी भी है। मदर डेयरी खुद की है या व्यापार करते हैं? सर लाने का ले जाने का बस? नहीं सर, मदर डेयरी तो हमारी है। आपके मम्मी पापा को पता है कि आप इस लड़की के साथ हो? नहीं सर, क्योंकि मैं दिल्ली में अलग अकेला रहता हूँ। एक बार वो आपके मम्मी पापा का नंबर है जी मेरे पास? देखो मेरे को देखो। अब क्यों डर रही हूँ जब सब कुछ? नंबर बताओ। आगे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए। 63 आराम से, एक मिनट रुक दो, मैं लिख लूंगा। 63 क्या नाम है पापा का? पापा का क्या नाम है बताओ? स्विच ऑफ है तो पापा के नंबर है ना? भाई तुम लोगों के लिए ये सफाई वाले काम इसलिए कर रहा हूँ कभी तू बंद ना हो जाए। सर मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। हाँ मैं इसीलिए आपकी है, कभी तेरे को लड़की ना फंसा जाए। नहीं जी सर, और लड़की तेरे को ना, ये तेरे को ना फंसा दे। सर हम इन्हें नहीं फंसाना चाहते, अब हम घर जाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? माँ बाप ने इतना बड़ा पाल पोस करके किया है, क्या ये दिन देखने के लिए तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओ? है बेटा बताओ बताओ, माँ बाप से किस चीज की नफरत है तुम्हें ये बताओ। आई हो तो सब सच सच बताओ, डरो मत। दूसरा नंबर है इनके जीजा का नंबर। हाँ बताओ नंबर बताओ। 7355 एक देख लूँ। 23 एक और नंबर मिला है इसके जीजा का, फिलहाल उससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जीजा का? नाम क्या है? राघवेंद्र सोनी। राघवेंद्र सोनी यहाँ पे आ गया लाइव में। जब सबको पता लग नहीं है तो सबको पता ही है तुम मेरे पास आए हो, मेरे पे डिलीवर कर रहे थे। हेलो 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 भाई साहब, आपके काम के लिए ही फोन है, आप एक बारी म्यूजिक बंद करेंगे अपना। हेलो हेलो जी सर जी, आप इलाहाबाद से बोल रहे हैं जी? जी सर जी, आपकी कोई बच्ची जो है क्या नाम बताया इसने? निक्की सोनी, वो घर से लापता है सर जी? आपकी जो लड़की है, आपकी जो बच्ची है निक्की सोनी नाम की लड़की, वो लापता है घर से? पता है जी। वो किस लड़के के साथ है आप ये भी जानते हैं? बताइए पापा
हाँ जी, नहीं जानते, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है फिलहाल। भाई साहब जी, आपकी लड़की खो गई है घर से या भागी हुई है? लड़की भागी है ना? तो वो लड़की गुड़गांव में है अभी हमारे पास। ठीक है भाई साहब जी, कितने घंटों में आ जाएंगे गुड़गांव तक आप? गुड़गांव तक हम लोग आगरा के पास है, आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर पुलिस के हवाले करूं या आप लोगों के हवाले करूं इनको? सर आप मेरे हवाले करिए। आपके हवाले करेंगे, ठीक है जी। भाई आप इन इन लोगों की शादी की सहमति नहीं दे पाएंगे या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लड़की भी है और लड़का भी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो TL गैलरी। दोस्तों इस वीडियो में देखिए, ये जो शुरुआत है, शुरुआत की कहानी उतना ही है, लास्ट में जो आप लोग ने सुना है, जो रेनू दीदी को कहा गया है रेनू बाहर की गेट ताला मार दे, यहीं से वायरल हुआ गया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल सोशल मीडिया में यही वायरल हुआ है। लेकिन ये जो फुल वीडियो है, ये फुल वीडियो देखना है तो ये जो भाई है, हेलो, ये जो मुखिया है भाई साहब जी, समाज सेवक है वो भी कटिहारी, उनका ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल है। तुम अपनी क्या दोगे, मैं दूंगा ना लोकेशन, तो उसी चैनल पे जाके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो। ये पूरा वीडियो बहुत लंबा है, लगभग 33 मिनट का भी ऊपर है, आधा घंटे से भी ऊपर है। लेकिन कुछ लोग क्या क्या वायरल करने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट में, इन लोग का राजाबंदी की बात जो जहाँ से हुआ है ना आखिर, यहाँ से शुरुआत करके वायरल किया। लेकिन जो लड़की ने खुद बोला है, नंबर कैसे लिया, कैसा नहीं लिया, लड़का किसी दूसरे को, लड़का ने दूसरा किसी को नंबर दे रहा था, उसी वक्त लड़की ने नोट कर लिया। फिलहाल लड़की तो आप सबको पता ही है, लड़की हिंदू है और लड़का बिलाल है, मुसलमान है, क्यों नहीं तो उनका नंबर उस लड़की ने नोट कर दिया और लड़की नहीं पहले, तो ये सब मतलब वायरल नहीं हुआ, दिखाया नहीं गया, लोग ने वायरल करते हुए जितने लोग हैं, भक्त लोग हैं, कुछ लोग उन लोग एडिट करके पीछे का साइड वायरल किया। पीछे का साइड भी आप लोग देखना है तो बहुत लंबा है, ये मैं थोड़ी मोड़ी करके छोटा करके मैं अपने बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा आप लोग को बोर हो जाओगे। अगर किसी कोई दोस्त बंदा देखना चाहते हैं तो लिंक है, मैं लिंक पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसी में जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों उनका चैनल ऑफिशियल चैनल है बॉबी कटिहारी का, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समाज सेवक है, दुखी का, दुखिया का, गरीब की सामने मदद के लिए यही बंदा हमेशा जाते है। इस लड़का ने मदद की, मदद चाहा था, तो जो परेशानी है इस परेशानी से कैसे बच पाऊं, क्योंकि लड़की का उम्र 21 साल है और लड़का का उम्र कितना है, 20 साल है। 2000 में जन्म हुआ है लड़का, 20 साल है, तो क्या सोचा जो मैं भाई के पास इंसान हूँ, कल को तुम्हारे घर वाले मुझे मार दें, क्या कर दें मेरे ऊपर। सबसे अच्छी हैबिट मुझे लड़के की ये लगी कि भाई मैं आ रहा हूँ, आपकी सहमति से होगा जो होगा। सबसे अच्छी बात लड़के की मुझे ये लगी, तो मुझे ये लाइव शुरू करना ही पड़ा सारी बातें जान करके। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम का प्यार क्या प्यार हो गया यार, अपने माँ बाप को भूलती जा रही है लड़कियाँ। ये लड़की पहले भी भागी है? नहीं सर, ये मेरे से काफी दिनों से फोन पर बोल रही थी कि मैं निकल जाऊंगी। आगे सुनिए दोस्तों, बेटा एक बार मैं तुमसे यही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन ये तो बता इसके पास है क्या, घर है इसके पास इसका? जो है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी वो नहीं, मतलब चाहे भीख मांगने के लिए छोड़ दे बार तुम्हें है। ना ना कुछ ना करे, ये ऐसे ना, बताओ बेटा बाबू जाएंगे ना तो ना उनके साथ जाएंगे ना आपके साथ के लिए रह पाएंगे, दोनों के लिए याद रखना। रविंद्र सोनी है पापा का नाम है, भाई का क्या नाम है? रविंद्र सोनी, इनके जीजा का नाम है, फोन आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ये कहानी का, मैं सिंपल करके बता दे रहा हूँ, उतना लंबा ना हो जाए इसलिए।
मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये जो भाई ने, बड़े भाई ने बहुत एहसानियत के काम किया, उन्होंने उस लड़की का पापा को, घर वालों को फोन किया, तो उन लोग आए 3 घंटे बाद, 3 घंटे के बीच में आ गया है। तो आने के बाद ये लास्ट में आखिर में पुलिस को भी बताया गया है, पुलिस को भी किया गया है, और पुलिस भी आया, और ना जाने पुलिस का बाद वाला वीडियो तो है ही नहीं है, लेकिन उन लोग जब आए थे तब तो वीडियो आखिर में है। जब पुलिस से भी निकाला गया और लड़की का पापा को भी बुलाया गया है, फैमिली वालों को भी बुलाया गया है, और इस दोनों लड़का और लड़की को अलग कर दिया गया है, क्योंकि लड़का का भी उम्र मुकम्मल नहीं है, और लड़की को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, उसका नकरी था कुछ साल लॉकडाउन के कारण, उसका नकरी भी चला गया। तो कैसे पाल पाएगा एक बच्ची को, एक लड़की को शादी करके, इसमें मतलब थोड़ा धीमी हो रहा है, इसलिए मैं आसान से बता दे रहा हूँ। आप लोग अगर सुनना चाहे तो मैं तो बता दिया कहाँ जाके देखना है। तो दोस्तों फेसबुक में वायरल हुआ है पीछे का साइड बस, लेकिन लड़की का पहले वाला शुरुआत है, और बाकी जो वीडियो है आखिर में भी एक वीडियो उन्होंने शेयर किया यूट्यूब में, वो भी लिंक मैंने दे दूंगा, दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हो, जैसे लड़का को और लड़की को कैसे अलग किया गया, लड़का का क्या गलती है। मैं तो कहता हूं दोस्तों लड़का का बहुत गलती है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इस कमेंट में बहुत वो है, रहस्य है आप लोगों का कमेंट के ऊपर। दोस्तों लड़का का गलती क्या है, अगर लड़की उसका उम्र है ही नहीं तो क्यों प्रेम करना चाहिए आज के माहौल पे, और लड़की अगर हिंदू है तो तू मुसलमान है क्यों प्रेम करना चाहिए, और क्यों लड़की तो ऐसे सीधी से नहीं आया ना, कुछ ना लड़का का पीछे भी हो रह सकेगा, क्योंकि लड़का अगर कुछ ना करे तो ऐसे लड़की नहीं आएगा, ये विश्वास की बात नहीं है। तो भले खुदा ऊपर वाला ज्यादा जानते हैं, तो ये कहता हूँ जो लड़का का भी गलती है, ये ना है जो मुसलमान हो के मुसलमान के सपोर्ट करो और लड़की हिंदू है लड़की को सपोर्ट ना करो। देखो यहाँ लड़की का भी गलती है, लड़का का भी गलती है, तो लड़का आखिर में बचने के लिए ये तरीका अपनाया जो ये भाई के सामने गया समाजसेवक और बच गया। अगर ये यहाँ नहीं गया होता तो वो बच नहीं सकता, ये बचने का तरीका है, लड़की को भी बदनाम करार दिया। और लड़की तू खुद अपने लाइफ को क्यों बर्बाद करने आए है, अगर तू तेरा घर वाला से तू इजाजत ना लेके ऐसे ना आए, ऐसा कोई बहन कोई भी धर्म का हो, अपना भी हो कुछ भी हो कोई भी हो, आप लोग प्लीज आप लोग ऐसे ना करें, क्योंकि ऐसे करने से समाज की बहुत नुकसान होते हैं। नमाज समाज में ये जिहाद के नाम पे रूप बनाया जाते हैं, कुछ लोग ये देखिए ना वीडियो करके काट करके वायरल किया गया है। तो दोस्तों ये सब ना करें, आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों का कमेंट का ऊपर YouTube कमेंट पिकर से एक कमेंट चुनना जाएगा, और वही कमेंट के ऊपर हमारे ये चैनल के माध्यम से एक गिवअवे दिया जाएगा, ये गिवअवे आप किसी एक बंदे को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और लाइक कमेंट तो लाइक के डिसलाइक कुछ भी करें लेकिन कमेंट करना ना भूले। अगर आगे तक शेयर करिए तो सच आगे फैल जाए, इसलिए आगे तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और लाइक कमेंट की वजह से शायद आपको आप किसी एक बंदे के पास गिवअवे मिल जाएगा। उस गिवअवे में क्या मिलेगा, 399 रिचार्ज मिलेगा आप लोगों को, 399 रिचार्ज मिलेगा इंडिया का, जियो हो और किस जैसे हो आप ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, अभी नहीं, ये रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा 1 तारीख का वीडियो, अगले महीने के 1 तारीख में आप सबको मिल जाएगा, उसी दिन का वीडियो में मैं लिंक में व्हाट्सएप में दे दूंगा, जीमेल भी दे दूंगा, आप लोग किसी एक बंदे को मिल जाएगा वही वीडियो का रिजल्ट मिलने का, इस वीडियो का कमेंट जो अच्छा कमेंट होगा उसी तरीका से दिया जाएगा, क्योंकि मेरा एक बोल था जब सब्सक्राइबर 500 होगा तब मैंने एक गिफ्ट देना चाहता हूँ सब्सक्राइबर के लिए। तो दोस्तों जाहिर से बात है आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब ना कमेंट करोगे। तो दोस्तों मेरा कल नहीं आज 500 ओवरटेक कर लिया, 500 से ऊपर हो गया सब्सक्राइबर 3 महीना 20 दिन के अंदर ये चैनल उतना तक ग्रो हो गया, आप लोग ने सपोर्ट किया, ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ मैंने और अच्छा कॉन्टेंट नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए शायद धीमी धीमी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ने सपोर्ट किया इसके वजह से आज उतना तक आगे आ गया। तो दोस्तों और भी सपोर्ट मिलना चाहिए, और अच्छा कंटेंट देने के लिए अच्छा अच्छा टॉपिक बनाने के लिए प्रेरणा दीजिए, उत्साहित कीजिए, और उतना ही दोस्तों खुश रहे, और ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि ऐसे बहन लोग सतर्क रहे, ऐसे समाज अपना माँ बाप सतर्क रहे, अपने बच्चे को ऊपर ध्यान दे,
तो ताकि ऐसा ना करें। और हर बहन भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भाई और बहन आप सबने प्लीज ऐसा ना करें, ऐसे करने से समाज के नुकसान बहुत बड़ी हो सकते हैं। ऐसे बहुत लाभ जी के नाम पे आसाम में भी बवाल हो रहे हैं, आसाम में भी कुछ ऐसे प्रेम हो जाता है। प्रेम में तो कोई जाति धर्म भेद कुछ नहीं पहचानते है ना प्रेम, लेकिन प्रेम करने का तरीका होना चाहिए, लाभ करो ऐसे तरीका होना चाहिए, और सपोर्ट ले लो घर की। जब घर वाला मानेगा ही नहीं तब क्यों प्रेम करना है। तो पता है जो मुसलमान के साथ में नहीं जाने देगा वो लड़की खुद बोला है, 11,500 खुद बोल रहा है। तो पप्पा लोग आएगा मुझे ले जाएगा, बुला रहा था फोन पे, जब बोलने दिया तब उनका भाई लोग फैमिली से आ रहा है, ले जाएगा, वो जाना नहीं चाह रहा है। आप लोग अगर पूरा सा वीडियो देखोगे बहुत लंबा हो जाएगा। भाग रही है तो भागने दो, लेकिन मेरे पास मैं जा रहा हूँ दोस्तों, उतना ही। आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, और हमेशा शादी के लिए ऐसे गलती वीडियो जो कट कुट करके शेयर करता है उसका तलाशी करो, तलाशी करके सच निकालो और वायरल करो। और ऐसे आधा जो कटा हुआ ये सब वीडियो वायरल ना करो, लाइक ना करो, शेयर ना करो दोस्तों। उतना ही, आप लोग खुश रहो और अच्छे रहो, उतना ही। जय हिंद, जय आया हम। लड़की बहुत प्यार कर